हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के CBT 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है ऑफिशियली, और आपके कट ऑफ भी घोषित कर दिए हैं जोन वाइज और ट्रेड वाइज। उसके बाद आपको CBT 2 का एग्जाम डेट भी निकाल दिया गया है, जो कि ऑफिशियल नोटिस द्वारा बता दिया गया आपको कि 12 दिसंबर से आपका स्टार्ट है CBT 2 का एग्जाम। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को कट ऑफ को समझने में कि कट ऑफ किस तरह से बनाया गया है। ये कट ऑफ जो है क्या 75 नंबर में है या फिर 100 मार्क्स में है। तो ये दिक्कत आपको तब तक थी दोस्तों जब आपका स्कोर चेक करने का नहीं आया था। अभी स्कोर चेक करने का रात 12 बजे से ही आ चुका है, उसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, या फिर जितने भी यूट्यूबर हैं मैक्सिमम लोग उसके पहले ही वीडियो बनाए थे। इसीलिए वहां पे आपको मैंने बताया कि 70 चल गया है कट ऑफ, 73 चल गया है कट ऑफ। लेकिन यहां पे जब आप लोग स्कोर अपना चेक करोगे तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि आपको कैसे कट ऑफ दिया गया है। तो इसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों, आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कुछ जोन का मैंने कट ऑफ नहीं बताया था, जोन वाइज कट ऑफ जो लाया था मैंने उसमें नहीं बताया था क्योंकि रात में नहीं आ पाया था कट ऑफ। तो यहां पे जिन जिन जोन का आ चुका है उसका मैं डिस्कस कर दूंगा, एक दो छोड़ के, क्योंकि एक दो का अभी तक नहीं आया है, उसका तुरंत ही आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, क्योंकि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की पल पल की अपडेट आपको देते रहते हैं इस चैनल पर। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोग घर बैठे बैठे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग और करेंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियो मिलते रहती है। लगभग 10,000 से ज्यादा लोग इसका फायदा घर बैठे बैठे उठा रहे हैं। आप लोग हमें वहां पर्सनली मैसेज और हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से आपको बोर्ड द्वारा कट ऑफ दी गई है उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आपका जो कट ऑफ दिया गया है वो 75 नंबर में है या फिर 100 नंबर में है। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, इसमें आपको सभी जोन का मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे जिस भी जोन पे जाना है आप क्लिक करके जा सकते हो। तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। और फिर यहाँ पे साइड में आपको दिया रहेगा जो भी जोन पे जाना है वहां पे चले जाइएगा, देख सकते हो वहां पे। तो फ्रेंड्स, चलिए एक सैंपल के तौर पे मैं पहले एक कट ऑफ दिखा देता हूं आपको। जैसे देखिए, इलाहाबाद है, इसका मैं कट ऑफ ओपन करता हूं। तो इसका ओपन हो चुका है, देख सकते हो इस वाले सेक्शन में दोस्तों, कि क्लिक हेयर टू नो द नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स और कम्युनिटी वाइज, जो सभी के लिए है वो कम्युनिटी वाइज है, और उसके बाद जो एक सर्विसमैन के लिए है तो ये है, और PWD के लिए ये है। तो कम्युनिटी वाइज ही आपको सेलेक्ट करना है जो कि नॉर्मल है। तो इसको क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाएगा जो भी आपका है कट ऑफ। इसके बाद ओपन कर लेंगे PDF रीडर से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कट ऑफ जो है RRB इलाहाबाद का जो है डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पे जो एक और दो था असिस्टेंट लोको पायलट का था, इसमें इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, तो देखिए इसमें जनरल कैंडिडेट का 50.54 गया है, इसमें 42.74 गया है, और SC का 36 और 30, 27 और 25, और यहाँ पे 41 और 34 आप लोग देख सकते हो। इसी में अब नीचे आते हैं दोस्तों, तो 10+2 PCM वालों का है 134, 35, 36, तो 134 और 36 पे आते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा SNT सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन। तो इसमें देखिए कट ऑफ, पहला जो आपका 134 है सिग्नल में, यहाँ गया है 69.70, यानी लगभग 70 चला गया है। और उसके बाद इसका जो SC कैटेगरी का देखा जाए तो लगभग 60 के आसपास गया है, और ST का 51 गया है, और OBC कैंडिडेट का 65 गया है। उसी तरह से टेक्निकल जो ये वाला है टेली कम्युनिकेशन में, इसमें भी आपको 70 चला गया है जनरल कैंडिडेट का, और इसमें भी आपको गया है वही 60 के आसपास, 59 के आसपास गया है SC कैटेगरी का, और ST का 51, और आपका जो OBC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं उनका गया है 65.4। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने जब पेपर दिया था तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि मेरा तो 69 नंबर आ नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा टफ पेपर था दोस्तों। टफ तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन मॉडरेट टू टफ पेपर था। आपको 75 में इतना तो नहीं आ सकता दोस्तों 69 नंबर, क्योंकि वहां पे टाइम मैनेजमेंट सभी चीज को देखा जाता है। तो अब कहेंगे कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन में भी चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर में, पहले इस वाले सेक्शन पे पहले देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो लीजिए। CA नंबर 1 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT, यानी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है, सिर्फ कट ऑफ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स बताया गया है। अब चलिए आपको लेके चलते हैं जो स्कोर कार्ड आपका आया है, कैसे आप लोग चेक कर सकते हो अपना नंबर, उसमें आपको क्लियरली बताया गया है सभी चीज के बारे में। अब देखिए, फिर से मैं RRB इलाहाबाद के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गया हूं। अब आपको स्कोर चेक करना है दोस्तों, तो यहां पे देख सकते हो ये वाला लिंक है, और इसमें लिखा है यहाँ पे दोस्तों कि द लिंक फॉर कैंडिडेट लॉग इन टू व्यू दियर स्कोर एंड मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ फाइनल
की अंडर CA नंबर 1। तो इस पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपको लॉगिन करने बोलेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दीजिएगा, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिएगा आपको, तो आपका स्कोर कार्ड जेनरेट हो जाएगा। चलिए मैं एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो स्कोर कार्ड चेक कीजिएगा तो ऐसा ही आपका एक डाटा आ जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाएगा, रोल नंबर बताया जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट बताया जाएगा, उसके बाद रॉ मार्क्स पे आइए कि रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75। तो दोस्तों आपका 75 नंबर का वहाँ एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने नंबर मिले 75 में वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो इन जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट शीतल शर्मा, इनको मिला है 43.33 नंबर, 75 में मिला है 43 नंबर, और यहाँ पे है प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने परसेंटेज का कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, जैसे देखिए इनको 43 मार्क्स मिला 75 नंबर में, तो अब बोर्ड वाले क्या किए, रेलवे बोर्ड वाले, कि जो 75 नंबर का था इनको 100 कर दिए, और जो 43 नंबर मिले 75 नंबर में, तो 100 नंबर में कितने मिले ये आपको यहाँ पे बताया गया है, कि जब 43 नंबर मिले हैं 75 नंबर में तो 100 नंबर में कितने मिले हैं। तो 100 मार्क्स में अगर किया जाए तो इनको मिला है 59 मार्क्स। तो ये कैसे निकाला गया, जैसे देखिए 43 नंबर मिला था कितने में, आपका 75 में मिला था, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कुछ इतना, 59.36 आ जाएगा दोस्तों। और यही आपका 100 में जितना आएगा ये नंबर, तो यही तो आपका 100 में मार्क्स है, जितना 100 प्रति 100 में आपका ये मार्क्स आया है, यानी कि जो 75 नंबर में जितना मार्क्स आपको आया था उसको प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 कर दिया गया है, उसको 100 में कैलकुलेट किया गया है, कि आपको जब 75 में आपको 43 आ रहा था तो 100 में आपको कितना आता, तो 100 में इनका आता 59 मार्क्स। उसके बाद क्या किया, इसी प्रो रेटेड मार्क्स को जो 100 में आया था उसको नॉर्मलाइज्ड का, उनके पास क्राइटेरिया एक होता है, मैंने बोला था आपको पहले भी 2-3 बार वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का 3 प्रोसेस होता है। तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है दोस्तों, आपको एक प्रॉपर जो है 100 मार्क्स का आप लोग लेके चलो तो उसमें अच्छे से नॉर्मलाइज कर पाओगे। तो इसीलिए इन लोग 75 में कोई दिक्कत होगी, इसीलिए 75 को यहाँ पे 100 कन्वर्ट किया और उसके बाद आपको नॉर्मलाइज करके यहाँ पे मार्क्स दे दिया। तो नॉर्मलाइजेशन में देखिए इनका 59.36 था नंबर ओरिजिनल, जो कि 100 में इनका आया, 75 में इतना आया, और नॉर्मलाइजेशन में इनका इतना आ गया, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे 5.5 नंबर इनका बढ़ा दिया गया और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इनका आ गया 64.99, यानी कि 65। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये जिन शिफ्ट में ये होंगी उनका ज़्यादा टफनेस नहीं होगा, वहाँ पे इजी शिफ्ट होगा, इसीलिए थोड़ा इनका कम बढ़ा है। बाकी लोगों का तो 16 नंबर बढ़ा है, 12 नंबर बढ़ा है, 14 नंबर बढ़ा है, ऐसे भी बढ़ा है बाकी शिफ्टों में। तो दोस्तों ये रहा आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो कि 64.99 था, और इनका जो सिलेक्शन हुआ लिखा गया है कि सेकंड स्टेज CBT में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये PCM वाली थी, और इनका जो आपको अभी बताया कि अलाहाबाद का कितना कट ऑफ गया था दोस्तों, 69 पॉइंट कुछ गया था, यानी 70 नंबर गया था, इनका 65 ही आया तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अपना अपना स्कोर भी आप लोग इसी तरह से चेक कर सकते हो। देखिए आपको 75 में जितना भी मार्क्स आया है, तो जैसे मान लीजिए 40 नंबर आया 75 में, तो 40/75 करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इतना नंबर आ जाएगा, जो यहाँ पे दिखा रहा है आउट ऑफ 100 यहाँ पे आपको बता देगा, और उसके बाद इसी में आपको नंबर जोड़ के नॉर्मलाइजेशन वाला नंबर है यहाँ पे बता दिया गया है, और यही मार्क्स के हिसाब से आपको कट ऑफ तैयार किया गया है, ना कि आपको इतना मार्क्स आ रहा है उस पे किया गया है, इस मार्क्स पे किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरा ALP में 26 नंबर ही है और वहां पे कट ऑफ बता रहा है 42, और मेरा 26 नंबर है लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये 42 क्या है दोस्तों, ये 42 75 में था जिसको कन्वर्ट करके यहाँ पे प्रो रेटेड मार्क्स उनको बताया गया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया तो जरूर आप लोग जैसे मैंने बताया प्रोसेस वैसे स्कोर कार्ड चेक कीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो कट ऑफ आपकी हाई नहीं गई है, कट ऑफ वही आसपास ही गई है, बस आपको क्या किया गया है कि सिर्फ प्रो रेटेड में आपका जो नंबर जितना आया था 26 आया तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया 100 में, तो आ गया आपका उतना मार्क्स, मान लीजिए 36 आ गया, उसके बाद आपको जो है नॉर्मलाइज कर दिया गया तो मान लीजिए 4-5 नंबर बढ़ा के 41 आ गया, और वही जो 41 नंबर है आपका नॉर्मलाइज्ड जो कट ऑफ उसमें आपको दिखा रहा है। चलिए अब नॉर्मलाइज्ड जो आपका कट ऑफ है उस पे ले चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT अलाहाबाद का, और यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड, जैसे आपका 75 में जितना नंबर आया था उसके बाद 100 में जितना नंबर आया, और उसके बाद आपको इस 100 में जितना नंबर आया उसी को नॉर्मलाइज करके 4-5 नंबर 10 नंबर बढ़ा के आपको कर दिया गया, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ गया, और वही नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से आपको कट ऑफ यहाँ पे जनरेट किया गया है। अगर ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आसपास मार्क्स है यहाँ पे और इतना आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आपका नहीं होगा।
तो यही आपको बात थी, समझने में दिक्कत आ रही थी। और शुरू में जब 9 बजे मैंने ये वीडियो बनाया था पहला कल रात में, तो वहां पे जो आपका स्कोर कार्ड वाला है वो वाला नहीं था, स्कोर कार्ड रात में आया है 11-12 बजे आया है, तभी जाके क्लियर हो पाया कि जो आपका कट ऑफ है दोस्तों वो 75 नंबर में नहीं बल्कि 100 नंबर में कट ऑफ आपको बना है। जो 75 नंबर का था उसको 100 नंबर कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें इस 75 में जितना आया उसको 100 में कितना आपका आया, उसके बाद उसको बढ़ा के नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कितना नंबर कर दिया गया, उसी के हिसाब से अब कट ऑफ बना है। यानी देखा जाए तो जनरली अगर 100 नंबर को वो हटा दिया जाए और 75 नंबर में ही काउंट किया जाए तो आपको तो जनरल जो 40% का क्राइटेरिया था जनरल कैंडिडेट का, 30% ओबीसी का, आपका एसटी कैंडिडेट का 25% था और एससी कैंडिडेट का भी 30 का था, तो उतना ही तो गया है। आप लोग देखिए तो यहां पे 50 गया, यानी 40% था आपका तो 50 गया है, 40% था तो 42% गया है। इसी तरह से आप लोग ओबीसी का यहाँ पे 30% ही रखा गया था आपका तो 41% गया है, 30% था तो 34% गया है। तो इसी हिसाब से ज्यादा कट ऑफ हाई नहीं गई है, अपना अपना रॉ स्कोर अपना चेक कर सकते हो, जो रॉ स्कोर है जो आपका ओरिजिनल आया 75 नंबर में, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर जितना कर दिया गया आपको 100 में कन्वर्ट करके वो चेक कर सकते हो दोस्तों। अब चलिए जिन जिन जो उनका मैंने कट ऑफ नहीं बताया था उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी अजमेर के वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे नीचे आपको आना है तो सीईएन नंबर 1 वाले में आपको आना है। इसमें देख सकते हो आपको 2 तारीख में 2 ही यहाँ पे नोटिस है, एक पहला इंपॉर्टेंट नोटिस और रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम और दूसरा आपका क्लिक हियर टू व्यू स्कोर ऑफ द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड मास्टर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे इनका कट ऑफ नहीं जारी किया गया है, थोड़ा देर में आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, अभी यहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। यानी कि अपना स्कोर चेक कर सकते हो इस वाले सेक्शन पे क्लिक करके और लॉग इन करके अपना स्कोर चेक कर सकते हो, कितना नंबर आया है, 75 में कितना आया, 100 में कितना है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना नंबर आया है, और उसके बाद चेक कर सकते हो कि सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, वो बता देगा आपको। और कट ऑफ के लिए थोड़ा देर बाद यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। अब चलिए यहाँ पे आरआरबी बेंगलोर का देख लेते हैं कि इनका कट ऑफ आया है या फिर नहीं आया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सीएन नंबर 1 वाले सेक्शन में यहाँ पे तो पहला नोटिस है रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट सीबीटी, क्लिक हियर फॉर रिजल्ट, तो रिजल्ट आप लोग अपना चेक कर सकते हो। उसके बाद क्लिक हियर टू व्यू स्कोर एंड मास्टर क्वेश्चन पेपर और फाइनल आंसर की, आंसर की भी आप लोग चेक कर सकते हो कि 75 में कितना आया, 100 में कितना है, ये सब चेक कर सकते हो। उसके बाद एग्जाम ट्रेड सिलेबस एंड पार्ट बी ऑफ स्टेज, इसमें आपको नहीं दिया है, जो भी है कट ऑफ इसमें भी जारी नहीं किया गया आरआरबी बेंगलोर में, तो यहां भी आपका आ सकता है कुछ देर में दोस्तों, तो विजिट करते रहिएगा अपना, कट ऑफ आपको देखना है तो। वैसे आप लोग जो क्वेश्चन पेपर ए है जो मास्टर क्वेश्चन पेपर वाला, इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं, या फिर रिजल्ट में भी आप लोग रोल नंबर डालिएगा डाउनलोड करके तो आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आरआरबी जो है भोपाल का वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, इसमें आपको मैं कट ऑफ दिखाना चाहूंगा, देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट सीबीटी कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज वाले पे आपको क्लिक करना है तो जो भी कट ऑफ होगा डाउनलोड हो जाएगा, इसको ओपन कर लीजिएगा पीडीएफ रीडर के माध्यम से। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है, इनका कट ऑफ देखिए आरआरबी भोपाल का असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है और इंजीनियरिंग का इसमें है, तो इसमें जो दो है वो नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो इसमें आप यूआर का देखिए तो 53 गया है, इसी तरह एससी का 40 गया है, एसटी का 32 गया है और ओबीसी का 45 गया है। और ये आपका 100 नंबर में कितना आया है वो है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होने के बाद, 100 के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जैसे 75 में कितना है, 100 में कितना है, वो सब है नंबर। ऐसे नहीं है कि 75 में इतना चला गया है, उतना हाई जा ही नहीं सकता दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया था। चलिए इसमें आपको नीचे आते हैं 10+2 वाले में, तो 10+2 134, 35, 36, तो इसमें देखिए 134 में है आपका 68 गया है कट ऑफ, और इसमें 56 गया है और 53 गया है और 64 गया है, और इसमें आपको देखिए तो टेली कम्युनिकेशन में आपको 68 गया है, 56 गया है, 55 गया है, 64 गया है। यहाँ पे एससी कैटेगरी का आया है, एसटी कैटेगरी का आया है और ये ओबीसी का है और जनरल कैंडिडेट का ये है, तो इसमें भी अच्छा खासा कट ऑफ चला गया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आरआरबी चेन्नई का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कट ऑफ आ चुका है, रिजल्ट ऑफ सीबीटी 1 कट ऑफ मार्क्स, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो जो भी कट ऑफ मार्क्स है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का आपका ओपन हो जाएगा, इसमें जैसे ही आप लोग कट ऑफ पे क्लिक करोगे तो, लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों अगर कम्युनिटी वाइज और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का क्लिक कीजिएगा अपने मोबाइल में तो अभी नहीं खुल रहा है इसका, तो थोड़ा इसमें टेक्निकल ग्लिच है इसलिए अभी नहीं खुल रहा है, थोड़ा देर में यह सब भी क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत जोन है दोस्तों वहाँ पे अच्छे से नहीं अपडेट किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। यहाँ पे मैं आरआरबी गोरखपुर का वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, इस पर देखिएगा तो आपका कोई भी ऐसा अपडेट नया नहीं आया है, इसमें इंपॉर्टेंट लिंक्स है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड यहाँ पे बता रहा है, तो इसमें अभी अपडेट नहीं किया है, अपडेट कर देगा थोड़ा देर बाद। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आरआरबी जो है आपका गुवाहाटी उसका वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, इस पर आपको नीचे आना है तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे कट ऑफ आपको अगर देखना है फ्रेंड्स तो इस वाले सेक्शन में देखिए
कि नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स, तो इसमें आइएगा तो कम्युनिटी वाइज है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका पीडीएफ है जो डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ जो भी दिया गया है, तो ऐसा देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसमें आप लोग देखिए कट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट सिर्फ 2 का इसका पोस्ट था, तो इसमें यूआर का 40 गया है, एससी का 30 गया है, एसटी का 25 गया है, ओबीसी का 33 गया है, यानी कि आपको नॉर्मल जो आपका 40% ये सब था उसी पे आपको उठा लिया गया है। इसमें टेक्नीशियन का आप लोग देख सकते हो, इसी तरह से 10+2 134, 35, 36 का हम लोग देखते हैं। तो इस वाले सेक्शन में आइए, 134 और 36 वाले में, तो यहाँ पे चला गया है 61.96 और जनरल का इसमें गया है 61.1, और इसमें आपका 56 गया है ओबीसी का, 56 ओबीसी का गया, 43 और 41 एसटी का गया है, 50 और 49 आपका गया है एससी कैटेगरी का। तो ये था आपका आरआरबी गुवाहाटी का। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर का ओपन कर रखा हूँ। इसमें आप लोग नीचे आएगा तो कट ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ईच कम्युनिटी एक सर्विसमैन का, तो ईच कम्युनिटी पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा आपका, और डाउनलोड हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर, इसमें आप लोग देखिए जो कट ऑफ गया है आपका सिर्फ 1 का नहीं था, सिर्फ 2 का था, असिस्टेंट टोको पायलट मैकेनिकल का था। इसमें यूआर का 40 गया है, एससी का 30 गया है, एसटी का 25 गया है, ओबीसी का 32 गया है। उसके बाद आप लोग ये सब देख सकते हो जो भी है, आप लोग डाउनलोड करके उसी तरह से आप लोग चलिए अब पीसीएम पे आते हैं, 34, 35, 36 इसमें आइएगा तो एसएनटी सिग्नल का आपका 58.98 गया है 10+2 वालों के लिए। यहाँ पे 45 गया है एससी का, एसटी का 37 गया है और ओबीसी का 53 गया है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन इसमें देखते हैं तो 62 गया है, और इसमें 46 गया है एससी का, एसटी का कोई भी पोस्ट नहीं था इसमें तो नहीं गया है, आपका ओबीसी का 54 गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आरआरबी मालदा का ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आरआरबी मालदा का। इसमें आपको कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया, कभी भी नहीं, रात में भी नहीं आया था इसमें, तो इसमें आप लोग चिंता ना करें, तुरंत ही इसका अपडेट आएगा। आप लोग विजिट करते रहे जो भी आरआरबी मालदा से आप लोग भरे हो, तो इसमें जैसे ही आएगा यहाँ पे कुछ कुछ शो करने लगा, इस वाले सेक्शन में आपको बताएगा, इधर सीएन नंबर 1 करके बताएगा रिजल्ट आपका, फिर आपको क्वेश्चन आंसर कैसे आप लोग डाउनलोड करें वहाँ पे सब चीज बताएगा। तो इस वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हो अभी तक नहीं वो लोग अपडेट किए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आरआरबी सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, देख सकते हो। इसमें आपको नीचे आइएगा यहाँ पे तो आपको बताएगा जो कट ऑफ मार्क्स के बारे में सभी चीज होगा, यहाँ पे बता रहा होगा, देख सकते हो। इस वाले सेक्शन में देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स जनरल का, एक सर्विसमैन का, पीडब्ल्यूडी का, तो जनरल वाला है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका डाउनलोड हो जाएगा जो भी आप लोग हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो चुका है आरआरबी जो कि आपका था सिकंदराबाद का। इसमें आप लोग देखिए जो भी बताया गया है कट ऑफ उनके द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट 1 और 2 के लिए, तो 48 गया है, थोड़ा हाई गया है यहाँ पे, 49% गया है यहाँ पे। इनके बाद एससी का गया है 36, 38, एसटी का गया है 33, 33। ऐसे भी आपको पता है कि सिकंदराबाद जोन में कट ऑफ हाई ही रहती है और सबसे ज़्यादा हाई यहीं पर है, देख सकते हो सभी चीज़ में आपका हाई है, ओबीसी में भी इसका जो भी सेकेंड वाला है आपका उसमें भी। इसमें चलते हैं 10+2 पीसीएम वाले में देखा जाए तो 10+2 कहाँ गया, 136, 134 और 36 इसमें आप लोग देखिए। सिग्नल वाले में देखिए यहाँ पे गया है 40, नहीं ये तो एक सर्विसमैन का होगा, इसमें आपको बताया गया होगा ऊपर, यहाँ पे सबसे नीचे है दोस्तों, सबसे नीचे इसमें जाइएगा आरआरबी जो सिकंदराबाद है उसमें, तब आपको यहाँ पे नजर आएगा 134 और 136। इसमें देखिए सिग्नल का गया है 61.82 जनरल कैंडिडेट्स का, और आपका जो टेलीकम्युनिकेशन का गया है 61.63, उसी तरह से ओबीसी का 58, 57, 47, 47 एसटी कैटेगरी का, और एससी का 51 और 51। तो यहाँ पे तो 10+2 का ज़्यादा नहीं गया है, ज़्यादा 10+2 का अलाहाबाद में चल गया है आपका 69, 70, और सबसे ज़्यादा गया है आपका 10+2 का जो कोलकाता का है 73 और 72, इतना गया है आपका कट ऑफ वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आरआरबी जो जो रांची है उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ। इसमें आप लोग देख सकते हो इस वाले सेक्शन में जो भी नोटिस है आ रहा है, नोटिस ऑन द सेकंड चांस सीबीटी क्लिक हियर फॉर द एग्जाम ट्रेड सिलेबस, नोटिस ऑन द लास्ट चांस ऑफ सबमिशन। तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं बताया गया है, जो भी कट ऑफ का है कुछ भी नहीं यहाँ पे अपडेट किया गया। तो दोस्तों जल्द ही इसमें भी आरआरबी जो रांची है इसमें भी अपडेट आने की संभावना है, तो आप लोग विजिट करते रहिएगा जो भी आरआरबी रांची से फॉर्म अप्लाई किए हो, तो इसका आ जाएगा तुरंत ही, आप लोग देख चेक करते रहिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आरआरबी सिलीगुड़ी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ। इसमें आप लोग नीचे आइएगा तो इस वाले सेक्शन में आपको बताएगा नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स, तो इसमें आपको कम्युनिटी वाइज यहाँ पे दिखा गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा कम्युनिटी वाले पे, तो डाउनलोड हो जाएगा जो भी आपका है नॉर्मलाइज मार्क्स, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि कितना कट ऑफ गया है। जैसे देखिए सिलीगुड़ी का खुल चुका है, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का 40 गया है,
30 गया है एससी का, एसटी का 25 गया है, ओबीसी का 30 गया है, यानी कि जितना बोला गया था उनके द्वारा उतना ही पे सिलेक्शन हो गया। ऐसे भी जो उधर का जो होता है आपका सिलीगुड़ी हो गया, आसाम हो गया, वो सब में कम कट ऑफ ही जाता है। ऐसे देख सकते हो यहाँ पे 134 130, जी हाँ दोस्तों 134 136, 10+2 वाले के लिए देखिए 62 गया है यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स वाले के लिए, और 60 गया है इसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन में। तो ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पे 55 है आपका ओबीसी में और 54 है ओबीसी में, यहाँ पे गया है 10+2 का, यहाँ भी हाई ही गया है, क्योंकि 10+2 में आपका सीट भी तो कम था दोस्तों, 5200 या कुछ भी था सीट, और उसमें बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग 10+2 वाले ही थे जो अप्लाई किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आरआरबी की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने आरआरबी तिरुवनंतपुरम का ओपन कर रखा है, इसमें आपको नीचे आना है तो सीए नंबर वन में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सीए नंबर वन में कट ऑफ मार्क्स CBT 1, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा जो भी है पीडीएफ, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हो इसका असिस्टेंट लोको पायलट का कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे 55 गया है जो कि थोड़ा हाई है, ओबीसी के लिए 47 है, एसटी के लिए 25 है, एससी के लिए 31 है। और उसके बाद आते हैं 10+2 134 135 136 में, तो इसमें आइए 134 था 136 था, इसमें आपका बताया गया है दोस्तों कि 134 में गया है 57 और 136 में गया है 61, और इसी तरह से ओबीसी का देखा जाए तो 52 और इसमें गया 53, एसटी का 39 38 और एससी का 38 37। तो इतना आपका हो गया। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो चंडीगढ़ जोन है उसका भी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, रात में ओपन हो रहा था लेकिन उसमें कट ऑफ नहीं दिखा रहा था, तो आप लोग कंटिन्यूअस विजिट करते रहिए। और जो मुंबई का जोन है उसमें भी आपका अभी ओपन नहीं हो रहा है, मालदा का नहीं ओपन हो रहा है, तो वो सब आप लोग चेक करते रहिएगा, जिसका तुरंत वहां पर आ जाएगा बता देगा कि कट ऑफ मार्क्स, और कम्युनिटी वाइज में आप लोग क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, और कोई भी सवाल आता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।